आपकी लड़ाई उन प्रश्नों से है जो आपके करियर का निर्माण करेंगे। अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण छोड़ दिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक बात कहते हैं, दुनिया के सबसे डिप्रेस्ड आदमी की कहानी बताता हूं आपको और दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की बात बताता हूं आपको। अर्जुन से बड़ा डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं आया। आपकी लड़ाई उन प्रश्नों से है जो आपके करियर का निर्माण करेंगे। उसके लिए आपको पढ़ना है, लिखना है, एग्जाम क्रैक करना है। अर्जुन का संघर्ष था कि उसे तो अपने परिवार के स्वजनों को मारकर, उनकी हत्या करके उस राज्य को प्राप्त करना था। अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण छोड़ दिए। और जानते हैं उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मात् उत्तिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अरे किस बात की चिंता करता है, हार गया मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, जीत गया तो इस सृष्टि का राजा कहलाएगा। तू तो दोनों ही परिस्थितियों में जीत रहा है रे मूर्ख, किस बात की चिंता करता है। आपको अपने आप को सौंपना पड़ेगा साथियों, अपने टीचर्स को, क्योंकि बिना सौंपे, बिना सेक्रीफाइस के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण वहीं पर एक बात कहते हैं, तस्माद् असक्तम सतत कार्य कर्म समाचरत असक्तो हरा चरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। परम तत्व की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि आपके जीवन की जो सबसे प्रिय वस्तु है उसको आप त्यागें। ये बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि आपका त्याग 8, 9, 10, 11 घंटे पढ़ना है? आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग कर चुके हैं और वो है अपने माता पिता को छोड़कर इस अनजान शहर में मुस्कुराते हुए रहना। अब तो बस उस त्याग के ऊपर आपको अटेस्ट करना है और साइन लगाना है। ये पॉजिटिविटी आप में होनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन तो हो चुका है, उसकी तारीख बस 4-6 महीने बाद आने वाली है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं पर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक बात कहते हैं, जब आपको लगे कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजय अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचे। अपने जीवन के सारे नियत कर्म, धर्म, धर्म का मतलब यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, धर्म का मतलब है आपको क्या करना है। एक टीचर का धर्म है पढ़ाना, एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, एक डॉक्टर का धर्म है मरीजों का इलाज करना। जब आपको आपके धर्म में संशय होने लग जाए तो आंख मूंद कर उस रास्ते पर चलिए जो रास्ता आपके टीचर्स ने आपको सुझाया है, आप अवश्य वहां तक पहुंच जाएं।